नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। इस बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएए पर मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसओचएम के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, देशहित के लिए झेलना पड़ता है लोगों की नाराजगी और गुस्सा। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात फिर दोहराई। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में इंटरनेट बंद। लखनऊ हिंसा में सपा सांसद पर एफआईआर दर्ज, तो वहीं अहमदाबाद हिंसा में कांग्रेस पार्षद समेत 49 लोग गिरफ्तार। झारखंड विधानसभा चुनाव में फाइनल चरण की वोटिंग जारी। 16 सीटों पर कुल 237 उम्मीदवार मैदान में। हेमंत सोरेन सहित कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 100 दिन के कार्यकाल का जनता को दिया लेखा जोखा। राजभवन में प्रेस वार्ता कर कहा, मेरी सक्रियता में नहीं रही कमी, इसका किया मैंने प्रयास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय से कई आवासीय योजनाओं को किया लॉन्च। जयपुर चौपाटी मानसरोवर का भी सीएम ने किया शिलान्यास। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा रहे मौजूद।